पैमाने पर ब्लास्ट भी लगाया गया है और उन ब्लास्ट को लगाए जाने के बाद डायनामाइट के माध्यम से उन्हें विस्फोट किया जाएगा। और ये मेरे ठीक पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये इमारत 9 सेकेंड में पूरी तरह से भरभराकर गिर जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि एक बड़ा प्रहार होगा ये भ्रष्टाचार के ऊपर। लेकिन आपको बता दें 2:30 पर 3,700 किलो बारूद जो है वो यकायक ब्लास्ट करेंगे और उसके बाद ये इमारत जो है वो भरभराकर गिर जाएगी। जिस पद्धति से इसे गिराया जाएगा उसे वाटरफॉल पद्धति कहा जाता है। आपने देखा होगा झरने किस तरीके से नीचे गिरते हैं, ठीक उसी तरीके से ये मेरे ठीक पीछे की ये दो इमारतें इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि यहां पर इसे ध्वस्तीकरण को लेकर तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यहां पर आसपास के लोगों के लिए है कि आखिर जब ये इमारत गिरेगी तो होगा क्या, क्या बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होगा, क्या यहां पर आसपास कंपन महसूस की जाएगी, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स तमाम सलाह सुझाव जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत भी आप तक पहुंचाएगा। हमारे तीन सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पुलकित जुड़े हुए हैं। पहले मैं अभिषेक आप ही का रुख करता हूं क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्टिंग करते रहे। लेकिन आज सवाल सबसे बड़ा लोगों के जहन में यह है कि जब आखिरकार इस इमारत को गिराने की घड़ी एकदम पास आ चुकी है, क्या होने वाला है? लोगों के मन में जो तमाम सवाल थे, क्या उनके जवाब तैयारियों के साथ दे दिए गए? अभिषेक, जी बिल्कुल, आज दोपहर 2:30 ये पूरा ट्विन टावर जो है उसको बारूद से उड़ा दिया जाएगा। अभी हम ट्विन टावर के नीचे ही मौजूद हैं और आप देखिए कि आखिरी जो तैयारियां हैं वो उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ में एक बात बहुत ज़रूरी है जो बतानी, वो देखिए ये सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी है जिसको आज पूरी तरीके से खाली करना था। एक ATS विलेज है, एक सुपरटेक एमरल्ड है। यहाँ पे जो सुपरटेक एमरल्ड है इसको खाली करने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे करके जो गार्ड्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को यहाँ से निकाला जाए। जो सोसाइटी के टास्क फोर्स की टीम है वो भी काफ़ी एक्टिव हो गई है और टास्क फोर्स की टीम जो है वो लोगों से बात कर रही है कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। और यहाँ पे देखिए आप, पूरी तरीके से सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से इवैक्यूएशन के लिए तैयार है और यहाँ पे जो टावर है उसको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है कि किस तरीके से 2:30 इस पूरे जो ब्लास्ट है उसको होना है। खास साथ एडिफिस की जो टीम है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वो यहाँ से निकली है और वो जाके अभी पूरी जाँच पड़ताल करेगी, एक बार फिर से बैठक करेगी, सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा। सुबह 7 जो है यहां से लोग जब इवैक्यूएट होंगे और उसके बाद तकरीबन 9:30-10 तक यहां की सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी और 2:30 जब ये ब्लास्ट होगा उससे पहले यहां के जो इमारत है सुपरटेक एमरल्ड इसके अंदर कुछ ना कुछ जो पैरामीटर्स है उसको चेक करने के लिए, पोल्यूशन का पैरामीटर्स चेक करने के लिए, जो जमीन का कितना भूकंप आया है, कितना थरथराया धरती, इस मैटर को चेक करने के लिए जो है कई कई इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा और सारी टीमें जो है एक बार बैठक करेंगी यहां पे और उसके बाद 2:30 इस ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। जी अनुराग जी, ठीक है। मैं एक बार फिर से अभिषेक आपका रुख करूं। हमारे साथ अमित गौतम भी जुड़े हुए हैं, पुलकित भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक तस्वीर अपने दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से ये टावर है जिसको लेकर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है, उसके साथ साथ वहां पर जो तमाम सवालात लोगों के मन में उठ रहे हैं उसके जवाब देने की भी कोशिश की जाएगी क्योंकि अंतिम प्रक्रिया अब शुरू की जानी है। यानी कि अब से तकरीबन 8 घंटे बाद ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और सवाल सबसे बड़ा यही है कि हाई राइज बिल्डिंग में शुमार ये बिल्डिंग कैसे गिरती है, क्योंकि सबके मन में सवाल ये। मेरे ठीक पीछे की अगर बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, जो हम आपको तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अगर आप उसे देख रहे हैं, तो सबके मन में सवाल यही है कि ये इतनी ऊंची बिल्डिंग आखिर इसको कैसे गिराया जाएगा कि किसी भी तरीके से कोई आसपास के इलाकों में हानि ना हो, आसपास की सोसाइटीज जो है वो उससे क्षतिग्रस्त ना हो। देखिए मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपके सामने और आप देखेंगे उसके आसपास की बिल्डिंग्स को किस तरह से कवर किया गया और दरअसल चिंता इन्हीं बिल्डिंग्स को लेकर है। इन बिल्डिंग्स में जो चिंताएं हैं वो इस बात को लेकर है कि जो मलबा होगा वो यहां से कैसे हटाया जाएगा, बिल्डिंग कहीं ऐसा तो नहीं कि दाएं या बाएं गिर जाए। ये तमाम सवाल आते हैं जिनके जवाब जो है वो अब से तकरीबन 8 घंटे बाद मिल जाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपने साथ कई एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे तो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से संपन्न की जानी है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, सबसे बड़े सवाल यहां पर जिन लोगों के मन में है वो आसपास के रहने वाले लोगों के लिए, और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, मैं यहां से 700 मीटर दूरी पर जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां से आप देखकर समझ पाएंगे कि कितने नजदीक में है वो तमाम आसपास की सोसाइटीज, वो एमराल्ड सोसाइटी जिसकी ओर से इस दोनों ट्विन टावर्स को लेकर सवाल उठाए गए थे और उसके बाद एक लंबी लड़ाई के बाद आखिर इसके ध्वस्तीकरण
प्रकरण को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया और उसके बाद आज इसे गिराने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी, संपन्न की जाएगी। लेकिन आप समझिए, देखिए जो व्हाइट कलर के आप पर्दे देख रहे हैं, दरअसल ये इस बात को लेकर हैं कि किसी भी तरीके से लोगों के घर में ये धूल जो है वो दाखिल ना हो। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मलबा जो है वो जमीन पर ध्वस्त होगा वो आसपास के लोगों के लिए कहीं ज्यादा चिंता खड़ी कर सकता है। और अगर आप नोएडा के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कई लोग जो हैं इसी तरीके से हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं और वो वायु प्रदूषण का भी शिकार हो सकते हैं, इस बात की भी आशंकाएं जो है वो जाहिर की जा रही है। और ऐसे में आज की तमाम प्रक्रिया को देखना समझना बहुत ज्यादा दिलचस्प है। मैं बार बार आपको ये तस्वीरें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये दो ट्विन टावर जिसके डिस्टेंस को लेकर भी बहुत सारे सवाल थे। ये 9 मीटर का डिस्टेंस है, आप दोनों ट्विन टावर को अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए इनमें से सिर्फ 9 मीटर का डिस्टेंस है, जबकि डिस्टेंस होना चाहिए था 20 मीटर से ज्यादा का। आसपास की जो सोसाइटीज हैं, अगर आप उन सोसाइटीज पर गौर करेंगे तो इनमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी ज्यादा दूरी पर मौजूद नहीं है। तो इन लोगों के मन में जो वहां पर रह रहे हैं, ज्यादातर लोगों को खाली करवा लिया गया। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक जानकारी दे रहे थे कि यहां पर लोगों को खाली करवा, लोगों के घर को खाली करवा दिया गया, पूरी तरह से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद इसे इंस्पेक्ट किया जाएगा कि यहां पर किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है, और फिर उसके बाद लोगों को वापस अपने घरों में जाने की इजाजत दी जाएगी। तो हर एक प्रक्रिया टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखाएगा। हमारे साथ इस स्टूडियो से के अलावा भी हमारे साथ 3 सहयोगी हर एक जगह से आप तक हर एक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलकित का मैं रुक कर लेता हूं, पुलकित तैयारियां किस तौर पर देख पा रहे हैं आप, क्योंकि एक तरफ तो ट्रैफिक रूट का भी डायवर्जन किया जाना है, दूसरी तरफ लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर ले जाने का एक बड़ा टास्क था, अब ये तैयारियां अंतिम दौर में आप कैसे देख रहे हैं? प्रेरित आप सुन पा रहे हैं? प्रेरित माफी चाहूंगा, आपका नाम मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया। प्रेरित आप मुझे बताएंगे किस तौर पर आप अंतिम चरण की तैयारियां देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े टास्क थे वहां पर प्रशासन के लिए, लोगों के मन में सवालों के जवाब देना, उसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाना, उनकी चीज किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त ना हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना। आप अंतिम दौर की तैयारियां कैसे देख रहे हैं वहां पर? अब बिल्कुल देखिए कि जो टावर है इसके निर्माण की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 से शुरुआत हुई थी, 2012 से जो आसपास के सोसाइटी के जो लोग थे, खास करके जो सुपरटेक एमराल्ड है, उन्होंने यह लड़ाई की शुरुआत की थी और जा करके 2021 में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें यह जीत उन्हें हासिल हुई कि जो टावर है ट्विन टावर इसे जमींदोज किया जाएगा। और इस वक्त देखिए कि मैं उसी टावर के ठीक बाहर मौजूद हूँ और ये देखिए कि ये तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इस टावर को महज 9 सेकेंड में जमींदोज कर दिया जाएगा। उस वक्त जो आधे घंटे के लिए जो पूरा इलाका है वो थम चुका होगा, आसपास में कोई लोग ना होंगे, नहीं होंगे, ना यहाँ पे गाड़ियां गुजरेगी, जिसको लेकर के यहाँ पर प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। और ये तैयारियां आज से नहीं बल्कि ये तैयारियां लगभग बीते 3 से 4 महीनों से इस टावर को जमींदोज करने को लेकर के चल रही है। ये जो आप पूरे टावर देख रहे हैं इसमें 9 अलग अलग जगहों पर वी शेप में इसमें जिलेटिन के छड़ लगाए गए हैं, तमाम अलग अलग विस्फोटक लगाए गए और तकरीबन 3,500 kg जो है वो इसमें अलग अलग जगहों पर विस्फोटक लगाया गया है, जिससे कि महज 9 सेकंड में ये जो पूरा टावर है ये जमींदोज हो जाएगा। हालांकि आम तौर पर लोगों के जहन में आता है कि इसे 9 सेकंड में जो गिराया जाएगा इसे एक्सप्लोजिव के जरिए क्यों गिराया जा रहा है, इसे दूसरे तरीके से भी इसका विकल्प ढूंढा जा सकता था। तो जब हमने इस पर लेकर के जो इसके इंजीनियर हैं उनसे हमने बात की, विशेषज्ञों से बात की, तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि यदि हम इसके अगर विकल्प के तौर पर अगर इसके कटर के जरिए अगर इसे काटते हैं तो इसमें 1.5 से 2 साल का समय लगेगा और उसमें लागत भी ज्यादा आएंगे, जिसको लेकर के यहाँ एक्सप्लोजन के जरिए इस पूरे बिल्डिंग को ढाया जाएगा जो महज 9 सेकंड में होगा। इसको लेकर के तैयारियां यहाँ देखिए इस तरीके से, इस पूरे इलाके में तकरीबन 7,000 से ज्यादा फ्लैट्स हैं, उन तमाम फ्लैट्स को खाली करा लिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो कपड़े जो लगाए गए हैं इसलिए क्योंकि जिस वक्त ये बिल्डिंग धड़ाम से नीचे गिरेगी और यहाँ पे एक बड़ा सा जो है एक बड़ा धूल का गुब्बार यहाँ पे उठेगा तो उससे जो है आम तौर पे जो लोगों को बड़ी जो है उससे बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सांस लेने में जिस तरीके से धूल उनके फेफड़े में पहुंचेगा तो उन्हें बड़ी तरह की तकलीफें हो सकती है, जिसको लेकर के प्रशासन इस बात का खासा ध्यान रखा है। और जो लोग यहाँ के आसपास में उन्हें यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं, उसके अलावा यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जिस वक्त ये बिल्डिंग गिराया जाए उस वक्त यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ मौजूद ना हो, सिर्फ महज 6 लोगों को यहाँ पर अलाउ किया गया है, जिसमें एक दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं,
होंगे, उसके अलावा यहाँ पर जो इंजीनियर जो है वो होंगे, और उसके अलावा यहाँ पर जो उनकी जो अपनी जो टीम है वो उसके लोग मौजूद होंगे। लेकिन प्रशासन इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जब ये बिल्डिंग जब ये ध्वस्त किया जा रहा हो तो उस वक्त में यहाँ पर लोगों को किसी तरह की परेशानी ना, उसको लेकर के ट्रैफिक डाइवर्जन रूट भी जो है नोएडा पुलिस ने यह लोगों के लिए जारी किया है। और उसमें जो जो एडिफिस इंजीनियरिंग जो यहाँ टावर गिरा रही है जो इंडिया की कंपनी है, तो उनके जो जो मालिक है उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए जब ये टावर जब गिराया जाएगा तो उन्हें यह आश्वस्त उन्होंने कहा है कि हम इसमें लेकर के आश्वस्त हैं कि देखिए कि टावर जब गिरेगा तो आसपास के बिल्डिंगों को कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना भी है तो उसमें यह है कि जो पेंट है उनमें दरारें पड़ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि जो नोएडा में जो जो बिल्डिंग्स बनाए गए हैं वो बिल्डिंग सारे भूकंप विरोधक वो बिल्डिंग बनाए गए, जिसको लेकर के अगर वो कंपन होता भी तो फिर से आपका रुख करूंगा तो वहां से तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अमित गौतम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, नोएडा वासियों के लिए आज ट्रैफिक रूट डायवर्जन भी किया गया है क्योंकि एहतियातन इसके आसपास के कई किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां से ट्रैफिक रूट जो है वो बदल दिया जाएगा, साथ ही साथ गैस पाइपलाइन की सुविधा तमाम दूसरी सुविधाओं को भी रोका गया है। क्या देख पा रहे हैं आप अपने एंड से, वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, अपनों यहाँ से 8 घंटे बाद 3700 किलोग्राम विस्फोटक के साथ ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा, यानी कि दोपहर के 2:30 बजे करीब। और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंतजाम प्रशासन ने किए गए हैं। रूट डाइवर्जन की बात करें तो 5 रूट डाइवर्जन प्रॉपर तरीके से कर दिए गए हैं और 5 लोगों को रास्ते हैं वो बंद कर दिए आसपास के एरिए में। आपको इस वक्त में उसके पास सोसाइटी सिल्वर सिटी सोसाइटी जो ट्विन टावर से कुछ ही दूरी पर है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लोगों को रखा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का इंतज़ाम के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, सुपर टैक जो बड़ा ट्विन टावर के बराबर में सोसाइटी है, उनके लोगों रहने के लिए सबसे पहले वेलकम किया गया है इस सोसाइटी में। सिल्वर सिटी सोसाइटी ने साफ तौर पर, आप देखिए तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि साफ तौर पर लिखा है वेलकम द रेजिडेंट ऑफ सुपर टैक कोर्ट। देखिए, और यहाँ के साथ साथ उन्होंने इंतजाम किया, जिस तरह से आपको बता दें कि सुबह 7 बजे तक सभी को खाली करना था आसपास का एरिया, जिस तरह से हमारे सहयोगी प्रेरित और अभिषेक ने बताया है कि लोग भी खाली हो चुके हैं और थोड़े लोग वो जांच टास्क फोर्स देखी जा रही, कोई है तो उनको भी निकाल दिया जाएगा। उनके इंतजाम के लिए देखिए यहाँ पर गद्दे लगा रखे हैं, बेड की भी पूरी तरीके से व्यवस्था कर रखी है कि जो लोग आएंगे यहाँ पर रहेंगे, और साथ ही साथ बेड गद्दों के साथ साथ जो लोग बैठना चाहते हैं बात के उनके लिए टेबल की पूरी व्यवस्था। देखिए इस तस्वीर के माध्यम से आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि सोफे की इंतजाम है, बेड के पलंग के इंतजाम, साथ ही साथ नीचे गद्दे भी बिछा रखे, जिससे काफी संख्या में सुपर टैक्स सोसाइटी के लोग यहाँ पर जब रुकेंगे तो सुबह से शाम तक तो उनको पूरी किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। यहाँ पे इंतजाम देखते हैं राउंड टेबल लगा के और काफी सारी चेयर्स हैं जो उनको किसी भी चीज की परेशानी हो, इस तरह के ही काफी सोसाइटी में इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरीके से ये ट्विन टावर गिरा जाएगा उसको एहतियात बरतते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीरें बार बार दिखाना चाहता हूं जो तस्वीरें आज के बाद शायद नहीं देखने को मिलेंगी। वो ट्विन टावर जो नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग के तौर पर पहचान रखता है, मेरे ठीक पीछे वो बिल्डिंग है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर अपेक्स और सियान, इन दोनों बिल्डिंग्स में क्या अंतर है? आप देखिए, एक बिल्डिंग जो है वो 32 मंजिला है और एक 29 मंजिला है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सी बिल्डिंग को पहले गिराया जाएगा। आप जो छोटी बिल्डिंग देख रहे हैं जिसका नाम सियान है, इसे दरअसल सबसे पहले ध्वस्त किया जाएगा और उसके बाद अपेक्स का नंबर आएगा। बड़ी बात यह कि यहाँ पर अलग अलग एक्सप्लोजिव जो है वो लगाए गए। अमूमन हम ये सोचते हैं कि धमाका होगा तो एक साथ बड़ा धमाका होगा और उसके बाद जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से भरभरा कर गिर जाएगी, दरअसल ऐसा नहीं होगा। आप देखिए, अलग अलग हिस्से इसमें बनाए गए और 3700 जो यहाँ पर विस्फोटक लगाया गया है, उन विस्फोटकों के साथ इसे एक एक कर एक पूरी प्रक्रिया होगी और ये कुछ सेकंड्स में नहीं बल्कि 9 सेकंड्स लेते हुए ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से नीचे आ जाएगी। हमारे सहयोगी लगातार हम तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि बिल्डिंग कैसे गिरेगी इसको लेकर बहुत बड़े सवाल है, इससे पहले ये कोई नॉर्मल घटनाक्रम नहीं है, इससे पहले इस तरह की तस्वीरें देशवासियों ने कम ही देखी होंगी, तो आप मुझे बताइए कि क्या वहां पर आसपास के लोगों के मन की शंकाओं को दूर करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया? जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में दरार आ जाएगी, मेरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचेगा, इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए क्या कदम उठाए गए? जी बिल्कुल अनुराग, देखिए हम इसको लेकर पूरी अपडेट अपने दर्शकों को दिखाएंगे, हर एक तस्वीर आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। दोपहर 2:30 बजे गिराया जाएगा नोएडा का 32 मंजिला ट्विन टावर, प्रशासन ने तैयारियां की पूरी, आसपास की सोसाइटी को कराया गया खाली। ट्विन टावर गिराने को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इमारत के चारों तरफ के रास्ते बंद, रूट को क्या क्या डाइवर्ट, दिल्ली एनसीआर के लोगों को होगी थोड़ी परेशानी।
पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन भुज में करेंगे रोड शो। भुजिया पहाड़ पर स्मृति वन और म्यूजियम का करेंगे उद्घाटन। देर रात माँ हीराबेन से मिलकर लिया आशीर्वाद। आज दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर तारीखों का हो सकता है ऐलान। पार्टी में नेताओं की नाराजगी पर भी होगा मंथन। झारखंड में सियासी उठापटक जारी। 6 घंटे बाद सीएम हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ खूंटी से लौटे रांची। रास्ते में बच्चों को बांटे बिस्किट। सीएम हाउस में रुके सभी एमएलए। कश्मीरी पंडितों के सवाल पर इंटरव्यू छोड़कर भागे फारूक अब्दुल्ला। टाइम्स ऑन भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के सवालों का नहीं दे पाए जवाब। सीएम योगी का फर्म में तैनात अधिकारियों को निर्देश। कहा कि कोई दिक्कत हो तो मुझसे सीधा संपर्क करें। 24 घंटे समस्या सुनने और समाधान के लिए तैयार हैं। भोपाल में डीबी मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल। हिंदू संगठनों ने जताया एतराज। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सामूहिक हनुमान चालीसा के दी चेतावनी। हरदोई में दर्दनाक हादसा। पुल की रेलिंग तोड़कर गर्रा नदी में गिरी किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। एक की मौत, 14 का रेस्क्यू। 5 अभी लापता, तलाश जारी। और एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। 10 महीने बाद दोनों टीमें क्रिकेट पिच पर होंगी आमने सामने। दुबई में होगा मैच। इन एसोसिएशन विद पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। वेरी मच श्योर इसका मोस्ट ऑफ द मक इस बिल्डिंग प्रीमिसेस में ही बैठ जाएगा और अगर थोड़ा बहुत कहीं बाहर की तरफ आएगा तो रोड साइड पे आएगा। इससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। कौन सा ऐसे पहले नहीं हुआ है तो हमने इस पे बहुत सारा सेंसर्स भी पुट किए हैं चारों तरफ क्या इवेंट होने जा रहे हैं। Different camera using thermal camera also will be seeing the kind of a blasting is happening inside. High-rise building के आसपास तो सबके beams पता नहीं इतने strong है या नहीं है कि वो इतने बड़े collapse को झेल पाएंगे या नहीं। डर तो है, इससे हमें डर है। बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ हो रही है, ये आसान नहीं है इस चीज़ को झेल। तो आज देश के सामने सबसे बड़ी तस्वीर नोएडा से सामने आएगी जब ये भ्रष्टाचार का ट्विन टावर जो है वो गिरा दिया जाएगा। इसके ध्वस्तीकरण को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने फाइनल कॉल लेना शुरू कर दिया है। दरअसल अनाउंसमेंट की जा रही है और अनाउंसमेंट इस बात को लेकर की जा रही है कि लोग अब जो है यहां से इन इलाकों को खाली कर दें क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है जब इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा। मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मेरे ठीक पीछे ये जो ट्विन टावर दिख रहे हैं, आज के बाद आपको नोएडा में इस तरह की तस्वीर, इन ट्विन टावर की तस्वीर जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। हाई राइज बिल्डिंग के तौर पर यह शुमार है और यहां पर इन बिल्डिंग्स को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे अगर 2:30 बजे तो इसको ऑफिशियली तौर पर गिराया जाएगा, लेकिन प्रक्रिया के तौर पर जब लोगों को हटाना है, लोगों को समझाना है, तमाम सवालों के जवाब देने, तो उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके पास से तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक आपके साथ कुछ लोग भी हैं, उन लोगों के मन में क्या सवाल है, वो क्या जानना चाहते हैं, जरा बात कीजिए। जी बिल्कुल, ये काफ़ी उत्सुकता का केंद्र भी बना हुआ है ये ट्विन टावर, क्योंकि दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और इसको अपनी यादों में अपने कैमरों में सहेजना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पे। सर कहाँ से आए हैं आप? यहीं से, गेजा गाँव से। गेजा गाँव से देखने आए ट्विन टावर? हाँ देख रही है, हम तो 2007 से ही देख रहे हैं। 2007 से आज आखिरी बार देख रहे हैं इसको? आज लास्ट है जी। सर आप कहाँ से आए हैं? बंगाल से। बंगाल से आए हैं तो आप भी ये देखने आए हैं? हाँ ये देखने आए हैं। ये भी देखने आए हैं? हाँ। देखिए यहाँ से दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आप सर कहाँ से आए? ये गेजा से आए। गेजा से आए ट्विन टावर देखने आए? आज आखिरी बार देखेंगे? हाँ। कैसा लग रहा है, आज टूट जाएगा ट्विन टावर? हाँ। आप सर कहाँ से आए? गेजा से ही आए। गेजा से ही आए? हाँ जी। देखिए कोई गेजा से आया है, कोई बंगाल से आया है, यहाँ सर कहाँ से आए? सर बंगाल से। सर ट्विन टावर आज टूट जाए?
आखिरी बार देखने आए? आखिरी बार जी। हमारे साथ एक और सर है, कहाँ से? मैं अभी सेक्टर 93 से हूँ। सेक्टर 93 से जी। ये देखने आए? ये बिल्कुल जी, देखने आया हूँ। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इसको अपनी यादों में सहेजना चाहते हैं, क्योंकि आज के बाद ये ट्विन टावर, नोएडा सेक्टर 93 का ये ट्विन टावर इतिहास बन के रह जाएगा। सिर्फ आपको खबरों में ये मिलेगा, सिर्फ आपको किताबों में मिलेगा, तस्वीर में मिलेगा। आज दोपहर 2:30 बजे निश्चित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और लोग इसीलिए आ रहे हैं या इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। पूरा देश उस बात का साक्षी होगा कि जब भ्रष्टाचार की इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, तो उसे कैसे ध्वस्त किया जाता है, उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का साक्षी आज पूरा देश बनने जा रहा है। और हर एक तस्वीर टाइम्स ने अपना भारत अपने दर्शकों को दिखाएगा। हमारे साथ प्रेरित भी लगातार जुड़े हुए। प्रेरित, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को आज यहां तक पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने बहुत मशक्कत की, खासतौर पर सुपरटेक सोसाइटी के लोगों की बात की जाए, उन्होंने इसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तो कुछ लोगों के लिए जब यह आकर्षण का केंद्र है, कुछ लोगों के लिए यह बड़ी जीत भी कही जा सकती है, जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला था, कोर्ट से लड़ाई लड़ी और आखिरकार आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रेरित, चलिए मैं प्रेरित का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। ये तस्वीरें दरअसल आज आप देखिए, ये ट्विन टावर की तस्वीरें हैं और ये दरअसल आज इस बात की गवाह हैं कि भ्रष्टाचार की इमारत कितनी ही बड़ी क्यों ना खड़ी कर ली जाए, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है तो उसकी नींव भले ही हो सकता है कि बहुत ज्यादा मजबूत हो, लेकिन वो ध्वस्त कर दी जाएंगी, उन नींव को तोड़ा जाएगा। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये ट्विन टावर की तस्वीरें हैं। 85 जेट डिमोलिशन जो कंपनी है आज इसको गिराएगी और उसे गिराने के बाद एक बड़ा जो बेंचमार्क है वो पूरे देश में सेट किया जाएगा। देखिए 2009 कहा जा रहा है कि ये जो एमराल्ड सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी है उसके सामने जो अलग अलग टावर्स की मंजूरी ली गई थी, ये दो नए टावर जोड़ दिए गए थे और उसके बाद इसमें जो कुछ मंजिला है ऊपर उसे बढ़ा दिया गया था। इसमें नोएडा अथॉरिटी की बाकायदा परमिशन भी ली गई थी, लेकिन इसे लेकर सवाल लगातार उठते रहे, क्योंकि आप देखिए जो सबसे बड़ा सवाल है इस ट्विन टावर को लेकर, इनकी डिस्टेंस को लेकर है, दोनों की आपसी दूरी को लेकर है। अगर आप देखेंगे ये सुरक्षा के लिहाज से कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 20 मीटर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर बताया जाता है 9 मीटर के डिस्टेंस पर ही इसे बना दिया गया और फिर उसके बाद ये पूरी तरह से बनाई जब गई, लोगों ने लगातार सवाल उठाए और सवाल उठाने के बाद जब कोर्ट की एक लंबी लड़ाई लड़ी गई तो आज इसे डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन आप इसके आसपास की उन सोसाइटीज को भी देखिए जो खतरे को महसूस करती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इसे गिराया जाए और फिर उसके बाद इनके घर पे दरार आ जाए, परेशान हो या कोई और परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो, इसके लिए तमाम क्या इंतजाम किए गए उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो गिराने की प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न करवाई जाएगी।